कि पवन सिंह अभी तक ब्रांड बिहार के साथ क्यों नहीं जुड़े? क्या मनीष कश्यप उनको नहीं जोड़ना चाहते ब्रांड बिहार के साथ? क्या पवन सिंह में उतनी काबिलियत नहीं है कि बिहार को बदल सकते हैं? क्या वह काबिलियत सिर्फ अक्षरा सिंह में दिखाई दिया? क्या वह काबिलियत सिर्फ खेसारी लाल में दिखाई दिया? क्या वह काबिलियत पवन सिंह में नहीं है कि जो कि बिहार को बदल सके? पहला ब्रांड पवन सिंह ही है, किसी का भी नाम आएगा पवन सिंह के बाद आएगा। तो मनीष कश्यप इस ब्रांड बिहार के मुहिम से पवन सिंह को नहीं जोड़ना चाहते। सोनो बिहार के नाम से प्रचलित एवं सस्तक के फाउंडर मनीष कश्यप आए दिन से बिहार में एक मुहिम चला रहे हैं। उस मुहिम का नाम है ब्रांड बिहार, और ब्रांड बिहार का मतलब है बिहार को बदला जाए, बिहार को एक अलग ओहदे पर ले जाया जाए। ब्रांड बिहार पे बात करने से पहले नए दर्शकों को, मेरा परिचय एलबी शाह और आप शाह न्यूज देख रहे हैं। ब्रांड बिहार का मतलब है बिहार को बदला जाए, और ब्रांड बिहार मुहिम चलाकर मनीष कश्यप वैसे वैसे लोगों को ब्रांड बिहार से जोड़ रहे हैं जो कि बिहार को बदल सकते हैं। ब्रांड बिहार का आगाज बहुत पहले किए थे मनीष कश्यप, लेकिन ब्रांड बिहार का आगाज बिहार में और बिहार के लोगों को तब पता चला जब गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद खुद ब्रांड बिहार से जुड़ गए, और न जाने उसके बाद कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े हस्ती ब्रांड बिहार से जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी हम जो बात करने वाले, वो बात करना उतना ही उचित होगा जितना बिहार को बदलना। आए दिन कुछ महीने पहले ब्रांड बिहार से भोजपुरी की शेरनी कहे जाने वाली अक्षरा सिंह जुड़ी, और अक्षरा सिंह भी मनीष कश्यप से हाथ मिलाकर बोली कि चलिए बिहार को बदला जाए। उसके बाद ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल भी ब्रांड बिहार से जुड़े, और उन्होंने भी मनीष कश्यप के हाथ में हाथ डालकर बोले कि चलिए बिहार को बदला जाए, भोजपुरी भाषा को एक अलग ओहदे पर ले जाया जाए। बहुत अच्छा। उसके बाद दूसरी स्वर को किला के नाम से प्रचलित मैथिली ठाकुर भी अपने दो भाइयों के साथ ब्रांड बिहार के साथ जुड़े, और उन्होंने भी कहा चलिए बिहार को बदला जाए। बहुत बढ़िया। लेकिन जब भी भोजपुरी की बात आती है तो एक बात सभी दर्शकों को दिमाग में जरूर क्लिक हो जाता है, ट्रेंडिंग स्टार से नाम से प्रचलित खेसारी लाल यादव और पावर स्टार के नाम से प्रचलित पवन सिंह। और मामला यहीं पे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी कुछ भोजपुरी में होता है तो दो नाम हमेशा क्लिक होते रहता है, एक खेसारी लाल यादव और दूसरा पवन सिंह। ब्रांड बिहार से स्वर्ग किला, यानी कि दूसरी स्वर्ग किला के नाम से प्रचलित मैथिली ठाकुर जुड़ गई, शेरनी कहे जाने वाली अक्षरा सिंह जुड़ गई, ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल जुड़ गए, लेकिन पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह अभी तक क्यों नहीं जुड़े? या यहाँ पे दो सवाल खड़ा हो सकता है। एक सवाल, या तो मनीष कश्यप अभी तक पवन सिंह से नहीं मिले हैं, या तो मनीष कश्यप इस ब्रांड बिहार के मुहिम से पवन सिंह को नहीं जोड़ना चाहते हैं। लेकिन जरा एक चीज और भी प्रश्न सामने आ सकता है, हो सकता है कि पवन सिंह यानी कि पावर स्टार के नाम से प्रचलित भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कि कहते हैं अरे यार तोनी के का करबा सर, जो पवन सिंह ने कर दिया है ना उसी पे रेंगे हो, जो पवन सिंह ने किया उसी पे रेंग रहे हो, और जो पवन सिंह करेगा उसी पे रेंगोगे। पहला ब्रांड पवन सिंह ही है, किसी का भी नाम आएगा पवन सिंह के बाद आएगा। यही वाला बात कि जो हम घीस देते हैं उसके बाद ही कोई रेंगता है। तब ब्रांड बिहार से जब इतना बड़ा मुहिम है तो मैथिली ठाकुर जुड़ गई, अक्षरा सिंह जुड़ गई, खेसारी लाल जुड़ गए, तो पवन सिंह अभी तक क्यों नहीं जुड़े हैं? जितने भी ऑडियंस हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना राय जरूर बताइएगा कि पवन सिंह अभी तक ब्रांड बिहार के साथ क्यों नहीं जुड़े? क्या मनीष कश्यप उनको नहीं जोड़ना चाहते ब्रांड बिहार के साथ? क्या पवन सिंह में उतनी काबिलियत नहीं है कि बिहार को बदल सकते हैं? क्या वह काबिलियत सिर्फ अक्षरा सिंह में दिखाई दिया? क्या वह काबिलियत सिर्फ खेसारी लाल में दिखाई दिया? क्या वह काबिलियत पवन सिंह में नहीं है कि जो कि बिहार को बदल सके? ब्रांड बिहार का जो मकसद है, ब्रांड बिहार का जो उद्देश्य है बिहार को बदलना, बिहार को एक अलग ओहदे पर ले जाना, क्या वह पवन सिंह में नहीं है? क्या पवन सिंह को ब्रांड बिहार से नहीं जोड़ा जा सकता है? यही सवाल आप सबों के बीच छोड़कर जा रहा हूं। अपना राय व्यक्त करिएगा, और हो सके अगर मनीष कश्यप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपना भी राय व्यक्त करिएगा। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का वीडियो देखने के लिए। अगर यह वीडियो
फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी मित्रों का। जय हिंद।